हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से DLED स्टूडेंट्स का जो प्रमोशन रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया है। आप देख सकते होंगे कल रात में आपका जो रिज़ल्ट था वो PNP कार्यालय की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और वेबसाइट पर आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, लेकिन अभी वेबसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है और ओपन नहीं हो पा रही है। कुछ जगह पर वेबसाइट ओपन हो जा रही है, बट कई बार स्टूडेंट्स को निराशा ही हाथ लग रही है। फिलहाल काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपने जो रिज़ल्ट हैं वो देख भी चुके हैं। आप देख सकते होंगे 2.53 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट हो चुके हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपका जो रिज़ल्ट है कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ये तृतीय सेमेस्टर का रिज़ल्ट है 2018 बैच की स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको आपने के सेकेंड सेमेस्टर के रोल नंबर से चेक करना होगा, सेकेंड सेमेस्टर का रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का कोई रोल नंबर आपको उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस वजह से आपको सेकेंड सेमेस्टर के रोल नंबर से ही अपना रिज़ल्ट चेक करना होगा। और इस टाइप से आप देख सकते होंगे ये कई सारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सभी तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के प्रमोशन रिज़ल्ट है और बहुत जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर की वेबसाइट भी ओपन होने वाली है, तो वो वेबसाइट भी अभी ओपन नहीं हो पा रही है। आप देख सकते होंगे ये आ चुके हैं आपके तृतीय सेमेस्टर के रिज़ल्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं और अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कौन सी वेबसाइट से आपको चेक करना है तृतीय सेमेस्टर का रिज़ल्ट और फर्स्ट सेमेस्टर का अपना रिजल्ट। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते होंगे जानकारी दी गई है, आज दिनांक यानी कि कल 9 अक्टूबर थी, 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के और रिज़ल्ट जारी करने के संबंध में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कौन कौन से बैच के स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोशन मिल चुका है और उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया है, कितने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट यहाँ पर रोके गए हैं इसके बारे में भी जानकारी दी गई। यहाँ पर सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये डेटा यहाँ पर 2019 बैच के स्टूडेंट्स के लिए और इसी टाइप से ये डेटा यहाँ पर 2018 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते होंगे तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रशिक्षकों की जो संख्या है वो 79,375 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट जो हैं वो जारी कर दिए गए। इसी तरह से आप देख सकते होंगे 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते होंगे जो स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था प्रमोशन के लिए उसमें 1,74,357 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 1,74,161 स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं वो फाइनली रिलीज़ कर दिए। आप देख सकते होंगे इस टाइप से। इसके साथ ही आपका जो परीक्षाफल होगा, जो रिज़ल्ट होगा वो आप देख लीजिएगा, DLED BTC 2015 अंक अनुसंधान यानी कि स्क्रूटनी और 2018 DLED तृतीय सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट होंगे ये सारे के सारे रिज़ल्ट आपको BTC exam.in इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो 2017 बैच के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं स्क्रूटनी के, इसके अलावा आप देख लीजिए 2019 बैच के जो प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर UPDLED info.in इस वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं वो अलग अलग वेबसाइट पर प्रदर्शित होंगे और लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।